जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को 127 इन्फेंट्री बटालियन देहरादून में जो टी आर्मी की भर्ती कराई जाने वाली है, जिसके बारे में हिंदुस्तान न्यूज़ के माध्यम से कुछ बातें बताई जा रही है, उसके बारे में पता चल गया होगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा न्यूज़ बता रहा हूँ। न्यूज़ दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर टी ए भर्ती के इंतजार में बैठे हो और आपके मन में ये चल रहा है कि अब टी आर्मी की भर्ती नहीं कराई जाएगी और टी आर्मी की भर्ती कराई जाएगी तो उसमें सबसे पहले पेपर कराया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूँ, आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा। मैं काफ़ी दिनों से एक एकेडमी में रह रहा हूँ, आर्या डिफेंस एकेडमी में, और 2019 में जो टी आर्मी की भर्ती कराई गई थी फैजाबाद में, जो डोगरा रेजिमेंट पड़ता है, डोगरा रेजिमेंट में यहाँ से 19 लड़के टी आर्मी में भर्ती हुए थे। मतलब 2019 में एक ही साल में 19 लड़के टी आर्मी में भर्ती हुए थे। तो वो लड़के लोग सर के पास हमेशा फ़ोन करते रहते हैं। मैं रियल बता रहा हूँ भाई, आज से 3-4 दिन पहले की बात है, एक भाई साहब फोन किए थे, वो बता रहे थे कि टी आर्मी की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। रियल बता रहा हूँ मेरे भाई, वो बोल रहे थे कि टी आर्मी की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। वो बोल रहे थे कि अंदर कोई लेटर होता है, जैसे लेटर पास हो गया है बस, मतलब ये पूरा का पूरा मीटिंग होगा और ये बताया जाने वाला है कि मतलब कहाँ पर, मतलब कितने तारीख को भर्ती कराई जानी चाहिए, ऐसा वो बोल रहे थे। ठीक है ना, वो जो भी बोल रहे थे वो मैं आप लोगों को बताया हूँ। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, आप लोगों मन में अभी भी चल रहा होगा कि भाई पता नहीं टी आर्मी की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। मुझे पता है भाई, क्योंकि जब तक कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा ना, तब तक आप लोगों के मन में चलता रहेगा। लेकिन वो टीए वाले फौजी बोल रहे थे कि जो लेटर होता है ना, अंदर अंदर वो लेटर पास हो चुका है और अंदर अंदर ये बोला जा रहा है कि 6 महीना के अंदर जितना भी यूनिट लगता है ना, टी आर्मी की भर्ती जहां जहां भी कराई जाती है ना, वहां वहां टी आर्मी की भर्ती कराई जाएगी। और अभी जो हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से टीए भर्ती को लेकर अपडेट दे दी गई है, जितने लोग भी टी आर्मी की भर्ती देखने जाने वाले हैं ना, उन लोगों का पहले पेपर नहीं कराया जाएगा, पहले दौड़ ही कराया जाएगा, दौड़ होने के बाद मेडिकल होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब पूरे भारत के लिए टी आर्मी की भर्ती कराई जाएगी तो उसमें भी पेपर नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि पहले इसमें बताया गया है कि पहले दौड़ होगा उसके बाद से मेडिकल कराया जाएगा। चलते हैं पहले पूरा का पूरा न्यूज समझ लेते हैं। जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उनको मैं पूरा बात आसानी से समझा दूंगा, और जो लोग पूरा वीडियो देखे नहीं करेंगे उनको तो मैं बिल्कुल भी समझा नहीं पाऊंगा। हिंदुस्तान न्यूज में टीए भर्ती को लेकर जो अपडेट दिया गया है, ये अपडेट ज्यादा पुराना नहीं है, 25 अगस्त 2023 का अपडेट है। यहाँ पर लिखा गया है देहरादून 127 प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी। देखो टीए का हिंदी होता है प्रादेशिक सेना, ठीक है ना, टेरिटोरियल आर्मी उसको इंग्लिश में बोला जाता है। पर्यावरण बल गढ़वाल राइफल में अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक नए भर्ती की जाएंगी। इसमें भूतपूर्व सैनिकों, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभाग की भूतपूर्व महिला कर्मचारी हिस्सा ले सकेंगी। और नीचे लिखा गया है कि इस राज्य सैन्य बल के कर्नल रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि योग्य अभ्यर्थी दस्तावेजों के साथ 9 अक्टूबर को सुबह 6 बजे शारीरिक मापदंड परीक्षण और मेडिकल परीक्षण के लिए पहुंचेंगे। मतलब मिला जुला कर यही कहना है कि इसमें पहले पेपर नहीं कराया जाएगा। ये जो उत्तराखंड में टी आर्मी की भर्ती के बारे में बात की जा रही है ना, इसमें पहले पेपर नहीं कराने जाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर लिखा है कि 9 अक्टूबर को सुबह 6 बजे शारीरिक मापदंड, मतलब दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, और परीक्षण मेडिकल भी मतलब उसी टाइम होगा, ठीक है ना, दौड़ के बाद मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद से लिखा गया कि भूतपूर्व सैनिकों, उत्तराखंड के मूल निवासी, ये जो लिखा गया है ना, यहाँ तो लिखा गया है भूतपूर्व सैनिकों, ये तो समझ में आ रहा है कि जो लोग एक्स सर्विस मैन है उन लोगों के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तराखंड के मूल निवासी, मतलब उत्तराखंड में जो लोग रहने वाले हैं, और यहाँ पर वो डाल दिया है वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभाग के भूतपूर्व महिला कर्मचारी के लिए सिपाही जनरल ड्यूटी 100 पद, सिपाही रसोईया 1 पद और सिपाही बढ़ई 1 पद पर भर्ती होंगी। भूतपूर्व सैनिकों जो पेंशन पा रहे हैं, भर्ती में शामिल होने के लिए रिटायर हुए 5 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जवान की नौकरी करने की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्यसभा वन विभाग की वही भूतपूर्व महिला कर्मचारी शामिल हो सकती है जिन्होंने 20 साल की नौकरी की पूरी हुई है। इस न्यूज में टीए भर्ती को लेकर जो बात बताई गई थी वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। देखो टीए भर्ती को लेकर छोटा सा छोटा न्यूज भी हम लोग के सामने आता है तो वो पूरा न्यूज दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। इसमें सिर्फ उत्तराखंड राज्य के बारे में बात किया जा रहा है और ये बात किया जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जैसे एक्स सर्विस मैन वालों का जो टी आर्मी का भर्ती होने वाला है, इसमें उत्तराखंड के मूल निवासी जो लिखा गया था ना उसको लेकर मैं कंफ्यूजन में हूँ। जो लोग उत्तराखंड के होंगे वो लोग अच्छे से इसके बारे में जरूर पता लगाना, ठीक है ना। वैसे यूट्यूब पर इसके बारे में बहुत सारे लोग वीडियो
बना चुके हैं। अगर इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता नहीं चल पाएगा ना, तो मैं खुद उत्तराखंड जाकर पता लगा लूंगा। 127 इन्फेंट्री बटालियन में ये जो टीआरमी की भर्ती कराई जाने के लिए बात बोली जा रही है, वैसे तो इसमें साफ साफ बोला गया कि एक्स सर्विस मैन वालों के लिए भर्ती है, मतलब जो लोग पहले इसमें भर्ती हो चुके हैं उन लोगों के लिए भर्ती कराई जाएगी। इससे पहले भी उन लोगों के लिए भर्ती कराई गई थी टीआरमी की, लेकिन जो ऑल इंडिया में जोन वाइज भर्ती कराई जाती है उन लोगों के लिए भर्ती अभी नहीं कराई गई है। तो उन लोगों के भर्ती के इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं। ये जो उत्तराखंड का मूल निवासी लिखा गया था ना, उसी को लेकर मैं कंफ्यूजन में पड़ा हुआ हूँ। लेकिन जिस डेट को इस भर्ती के लिए बोला गया है, अगर उस डेट से पहले मुझे क्लियर पता चल जाएगा कि ये भर्ती सिर्फ एक्स सर्विस मैन वालों के लिए है या सभी लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए है, तब तो मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बनाकर क्लियर बता दूंगा। अगर क्लियर नहीं पता चल पाएगा ना, तो मैं खुद उत्तराखंड जाकर जहाँ ये इन्फेंट्री जहाँ भर्ती कराई जाने के लिए बोली जा रही है वहाँ पर जाकर मैं सारी चीज़ें पता करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। ये तो क्लियर पता चल रहा है कि आने वाले समय में जो टीआरमी की भर्ती आने वाली है ना, उसमें पहले पेपर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्स सर्विस मैन वालों का पहले दौड़ कराया जा रहा है, तो हम लोग का भी पहले दौड़ ही कराया जाएगा ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा किसी ऑफिशियल नोटिस में नहीं दिया गया है, लेकिन जब इन लोगों का कराया जा रहा है तो हम लोग का भी पहले दौड़ ही होगा, और अभी तक कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। और ये मैं आप लोगों को वैसे नहीं बोल रहा हूँ, वैसे नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से बात होता है और वो लोग टीआरमी में रहते हैं। अब यहाँ पर एक भाई साहब जैसे तैयारी करते हैं, उनके दोनों भाई टीआरमी में हैं, तो वो उनसे भी हमसे बात हुआ था, ठीक है ना, वो भी बता रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, जब भर्ती आ जाएगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें से आपका रिलेशन कार्ड बन सकता है, उसमें से जब रिलेशन कार्ड बन जाएगा तो ऑल इंडिया में आप कहीं भी जाकर रिलेशन भर्ती देख सकते हो, और भी बहुत सारी सुविधा है, उसके बारे में आप लोग को अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टीए भर्ती को लेकर जो भी अपडेट था मैं आप लोग को बता दिया हूँ। जय हिंद।